नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचारों से, जानते हैं आज अपनी इस वीडियो में हम कौन कौन सी बड़ी खबरें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यूपी में सिपाही भर्ती में चुने अभ्यर्थियों की मेडिकल जाँच और डॉक्यूमेंट सत्यापन सोमवार से शुरू। लड़की की जिद के आगे बेबस हुआ रेलवे, इकलौती सवारी के लिए 535 किलोमीटर दौड़ानी पड़ी राजधानी एक्सप्रेस। शताब्दी एसी सुपरफास्ट सहित 14 ट्रेनें लखनऊ से चलेंगी, 10 सितंबर से शुरू होगा रिजर्वेशन। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिसंबर तक पूरा होगा काम, जनवरी से एक्सप्रेसवे पर भरें पर्राटा। उधर यूपी बीएड एग्जाम 2020 का रिजल्ट आउट हो चुका है, बीएड प्रवेश परीक्षा में पंकज कुमार टॉपर। प्रयागराज में अतीक अहमद पर शिकंजा कसा, रिश्तेदारों की बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। यूपी में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में मिले सबसे अधिक 6700 मामले। कैबिनेट का फैसला, दिल्ली मेरठ के बीच जल्दी दौड़ेगी रैपिड रेल, केंद्र और यूपी सरकार के बीच होगा करार। डीएल और पैन कार्ड के लिए भी पोस्ट ऑफिस में खुलेगा कॉमन सर्विस सेंटर। और प्रवासी श्रमिकों के लिए मेरी सरकार का एक बहुत बड़ा ऐलान, मिलने जा रही है वित्तीय मदद, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। तो आइए देख लेते हैं क्या है ये सारी खबर, एक एक करके इन सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। तो नागरिक पुलिस व पीएससी में सिपाही पद पर अक्टूबर 2018 में हुई सीधी भर्ती परीक्षा में चुने गए 14,000 अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा व चरित्र सत्यापन की कार्यवाही सोमवार से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण उनके गृह जनपदों में कराया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका गृह जनपद उत्तर प्रदेश में न होकर अन्य राज्यों में, उनके लिए अलग अलग जिले तय कर दिए गए हैं। उधर एक बड़ी विचित्र घटना सामने आ रही है, रांची की एक युवती के जिद के आगे रेलवे को झुकना पड़ा और इकलौती सवारी के लिए राजधानी एक्सप्रेस को चलाना पड़ा। यह लड़की 535 किलोमीटर का सफर तय कर रात 1:45 पर रांची पहुंची। जाऊंगी तो राजधानी एक्सप्रेस से, यदि बस से ही जाना होता तो ट्रेन का टिकट ही क्यों लेती, बस से सफर कर रांची जाती, टिकट राजधानी एक्सप्रेस की है तो इसी से जाऊंगी। यही लाइन बोल बोल कर इस युवती ने रेलवे पुलिस के छक्के छुड़ा दिए। टाना भक्तों के आंदोलन से डाल्टनगंज स्टेशन पर फंसी राजधानी एक्सप्रेस में सवार अनन्य ने जिद पकड़ ली तो रेलवे अधिकारी भी परेशान हो गए कि क्या करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। अंत में जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। राजधानी एक्सप्रेस शाम करीब 4 बजे डाल्टनगंज से वापस गया, ले जाकर गोमो और बुकवार होते हुए रांची के लिए रवाना करनी पड़ी। अनन्य रात करीब 1:45 पर रांची रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन में अनन्य इकलौती सवारी थी। 930 यात्रियों में से 929 को रेलवे डाल्टनगंज से बसों से गंतव्य की ओर पहले ही रवाना कर चुकी थी। संभवतः रेलवे के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब एक सवारी को छोड़ने के लिए राजधानी एक्सप्रेस ने 535 किलोमीटर की दूरी तय की। उधर रेलवे ने 80 ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दे दी है, इसमें लखनऊ से 14 ट्रेनें संचालित होंगी। हम सफर एक्सप्रेस से लेकर स्वर्ण शताब्दी, लखनऊ दिल्ली एसी एक्सप्रेस, अवध आसाम एक्सप्रेस समेत कुल 14 ट्रेनों का संचालन 12 सितंबर से किया जाएगा। यात्री इन ट्रेनों में एडवांस टिकटों की बुकिंग 10 सितंबर से कर सकेंगे। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान ट्रेनों का संचालन बंद रहा, इस दौरान सिर्फ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। वहीं 1 जून से रेलवे प्रशासन ने देश भर में 200 ट्रेनों का संचालन शुरू किया था। उधर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट दिसंबर तक पूरा कराया जाए। मेरठ से दिल्ली के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लोगों की उम्मीद पर खरा उतरे। तय समय दिसंबर 2020 तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर प्रोजेक्ट का काम खत्म कर इसे चालू कर दिया जाए। जनवरी से लोग मेरठ से दिल्ली का सफर एक्सप्रेसवे से करें। शनिवार को कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के उच्च समीक्षा बैठक में ये सभी बातें कही। समीक्षा में कमिश्नर ने एनएचएआई की प्रगति रिपोर्ट को जाना। एनएचएआई के जीएम और परियोजना निदेशक मुदित गर्ग ने बताया कि यूपी गेट से डासना के बीच दूसरे चरण में 86% काम पूरा हो चुका है, वहीं डासना से मेरठ चौथे चरण में 75% काम पूरा हुआ है। कमिश्नर ने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिसंबर 2020 तक प्रोजेक्ट पूरा करने की बात कही है। इस पर एनएचएआई ने भरोसा दिलाया कि तय समय तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। समीक्षा में मुआवजे को लेकर किसानों के आंदोलन का मामला भी उठा। इस पर कमिश्नर ने गाजियाबाद मेरठ डीएम को किसानों के प्रतिनिधियों से बात कर रास्ता निकालने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अब प्रोजेक्ट में कोई देरी नहीं हो, एनएचएआई के अधिकारियों के प्रशासन से लगातार संपर्क में रहने को कहा। उन्होंने कहा यदि किसी समस्या का जिला स्तर पर समाधान न हो तो मंडल कार्यालय की जानकारी की जाए। उधर लखनऊ विश्वविद्यालय में शनिवार को संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-22 का परिणाम जारी कर दिया गया है। सीतापुर के पंकज कुमार ने परीक्षा में पहली बाजी मारी है, वह 299 अंकों के साथ प्रदेश में सबसे पहले स्थान पर रहे हैं। वहीं सीतामढ़ी के अजय कुमार 295 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। परीक्षा के चेयरमैन कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने इन नतीजों की घोषणा की। कुलपति ने बताया कि यह प्रवेश परीक्षा परिणाम लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। सभी अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना स्टेट रैंक कैटेगरी रैंक प्राप्त कर सकते हैं। उधर उत्तर प्रदेश सरकार का बड़े माफियाओं और बाहुबलियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की 2 बिल्डिंग गिराने के बाद शनिवार को प्रयागराज में पुलिस, जिला प्रशासन और विकास
प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने सिविल लाइंस क्षेत्र में पूर्व सांसद अतीक अहमद के एक रिश्तेदार के कब्जे वाली बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। यह बिल्डिंग नजूल की जमीन पर खड़ी हुई थी और उसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। अतीक फिलहाल गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है। आरोप है कि अतीक अहमद के रिश्तेदार ने अवैध रूप से इस भवन का निर्माण कराया था। इसके लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। D-227 गैंग के सरगना अतीक अहमद और उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण की मदद से सिविल लाइन स्थित अवैध इमारतों पर शनिवार को बुलडोजर चलवा दिया। बात करें कोरोना की तो उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रदेश में आज एक दिन में सर्वाधिक 6,700 मामले सामने आए। इससे पहले शुक्रवार को यूपी में पहली बार सितंबर के महीने में 6,000 से अधिक मामले दर्ज हुए थे। वहीं राज्य में 30 अगस्त को सर्वाधिक 6,233 नए मामले सामने आए थे। हालांकि शनिवार को संक्रमण के मामलों ने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शनिवार को बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों में 6,692 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसके साथ कुल संक्रमितों की संख्या अब 2,59,765 हो गई है। प्रसाद ने बताया कि कुल मामलों में से अभी तक 1,95,959 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। उधर दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ के बीच तेज गति से चलने वाली रीजनल रैपिड रेल परियोजना में केंद्र और यूपी के बीच होने वाले मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई। आवास विभाग के अधिकारी इस पर अब हस्ताक्षर कर केंद्र सरकार को भेजेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा MOU को दी गई मंजूरी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं के लिए इसे चलाया जाएगा। इससे जहां भीड़भाड़ व प्रदूषण कम होगा, शिक्षा स्वास्थ्य व रोजगार के अवसरों तक लोगों की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगर आप DL पैन कार्ड और राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसे बनवाने के लिए अब डाकघर में भी आवेदन कर सकेंगे। लोगों की सुविधा के लिए इलाहाबाद डिवीजन ने 10 डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है। प्रयागराज जिले में 6 और कौशाम्बी के 4 डाकघरों में ये सुविधा शुरू की जाएगी। इलाहाबाद डिवीजन के प्रधान डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर 3-4 दिनों में खुल जाएगा। डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर खुलवाने से जनसेवा केंद्रों और साइबर कैफे वालों की ओर से आवेदन करने की मनमानी फीस लेने पर अंकुश लग जाएगा। DL पैन कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और खतौनी के लिए निर्धारित शुल्क रहेगा। सीनियर पोस्ट मास्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। इससे आमजन को सहूलियत तो मिलेगी ही, डाक विभाग को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। उधर CM योगी ने कोरोना संकट के चलते एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने महामारी के चलते गरीब परिवारों के लिए अनाज व अन्य सुविधाएं मुहैया कराए जाने के साथ साथ खाते में सीधे मदद पहुंचाने का उल्लेख भी किया है। मुख्यमंत्री ने तकनीक के महत्व के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि गरीब श्रमिकों के खाते में इस महामारी के मद्देनजर एक बार फिर से पैसे भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रवासी श्रमिकों का दर्द उनके जहन में और बहुत ही जल्द उन सभी के खातों में एक मदद राशि पहुंचाई जाएगी। आपको यहां यह भी बता दें कि इससे पहले भी 9,00,000 श्रमिकों के खाते में उन्होंने 2600 रुपए ट्रांसफर कराए थे। इसके अलावा सरकार की तरफ से गरीबों को मुफ्त में राशन भी बंटवाया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये धनराशि पहले भी मिल चुकी है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करें, और अगर आपको अभी तक ये धनराशि नहीं मिली है तो भी हमसे जुड़कर इस खबर के बारे में विस्तार से जानकारी लेते रहें। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ मुख्य खबरें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हमारी आने वाली और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।